हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी ओवली आरोनिक, द सेकंड मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ इंडिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ओके, दिस फील्स अनरियल एंड मेरे को लगता है मैं सपना वपना देख रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज कि आप लोगों ने मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स 50 के कंप्लीट कर दिए हैं। दैट्स राइट, और मजे की बात ये है वो भी दिवाली के दिन। आई मीन मैंने तो भाई थोड़े दिन पहले पिछले एक आध वीडियो में मैंने मजाक में कहा था कि हमने, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक पर्सनल नोट पे बात करना चाहता हूँ। यूजुअली हमारे नेता लोग कहते हैं ना, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ, तो ऑन दैट नोट मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। एज यू नो वी आर इंचिंग टूवर्ड्स 50K, तो प्लीज़ दिवाली तक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो। मैं आज आप मेरी ऑडियंस से मांगने आया हूँ एंड यू गाइज आपने एग्जैक्ट दिवाली के दिन करा दिए, एंड आई जस्ट कांट बी थैंकफुल इनफ टू यू गाइज। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। अभी के टाइम पे मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है। सबसे पहले तो व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग माई चैनल, मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी अर्ली स्टेजेस में एंड कभी कभी अभी भी, जो लोग हु प्ले अ वेरी बिग रोल एंड जो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद की है। आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से चैनल की मदद में, जिस तरह से आपने चैनल को बचाया है, यू हैव सेव्ड द चैनल इन एवरी वे पॉसिबल। प्यार दे दे के, अपना अपने वीडियोज़ देख देख के मेरे को, आपने अपना दिन का टाइम दे दे के, यू हैव मेड दिस चैनल इन टू समथिंग विच आई नेवर थॉट पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि यार 50,000 सब्सक्राइबर्स, इतने ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी दैट आई एम एबल टू एंटरटेन यू ऑल। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मेरे जो रेडिट कम्युनिटी के लोग हैं, अगर देखेंगे तो शायद उनको थैंक यू मिल भी जाएगा मेरा, ऑल्दो आई डोंट नो वो देखते हैं क्या। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर टू फॉर ऑलवेज बींग डियर विद मी इमोशनली। अभी रिसेंटली सिंस अभी चैनल थोड़ा ग्रो हो रहा है एंड धीरे धीरे हम अभी थोड़ा बहुत वी आर ग्रो, बात यह है कि स्पॉन्सर्स वगैरह की भी बातचीत फिलहाल चल रही है। एंड ऐसे स्पॉन्सर के सेक के लिए तो आई कैन जस्ट ऐड एनी स्पॉन्सर, लेकिन क्या है, आई रियली वांट टू सी कि कौन सी चीज़ है जो सही में काम में आएगी मेरी ऑडियंस के। तो अगर मेरे को कोई चीज़ काम की है, एलिजिबल है, मेरे को लगेगा कि नहीं यार चल थोड़ा बहुत किसी के तो काम में आ ही जाएगा, समबडी विल यूज़ इट, कुछ तो ऐसा होगा, तो डेफिनेटली आई विल टेक अप दैट स्पॉन्सर, क्योंकि भाई इट एड्स वैल्यू ऑफ इट्स ओन। जहाँ तक बात आती है अर्निंग की, तो भाई वो यूट्यूब एडसेंस से चल रही है। स्पॉन्सर्स का तो मैं टेक्निकली तो आई एम नॉट क्वाइट लुकिंग फॉर देम, अनलेस मेरे को कोई खास भाई स्पेशलाइज्ड मिले, मैं तो नहीं लेने वाला, क्योंकि आई डोंट रियली नीड द यूट्यूब अर्निंग। द लास्ट थिंग जो मेरे को इस यूट्यूब चैनल से चाहिए इज अर्निंग। मैं यहाँ कंटेंट और वीडियोज़ बनाने के लिए आता हूँ, अर्निंग पैसा कमाना वो आप बाकी लोगों पे छोड़ दो, इस चैनल पे हम सिर्फ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आए हैं। आई वुड लाइक टू से कि चैनल को चलाते हुए जो यू कैन से जिस पेस से हमने ग्रो किया है, ऑल्दो आई एम वेरी थैंकफुल, ये चैनल को ग्रो करते वक्त जो मेरी मेंटालिटी थी, आई फील लाइक आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इन केस कोई न्यू भी यूट्यूबर ये देख रहा है। अब बहुत से लोग हैं यार, उनके भाई 1 मिलियन हो जाते हैं, किसी के 4,000, किसी के 25,000, किसी के कुछ। आई हैव बीन ग्रेटफुल इनफ किया है, मैं 2 साल के अंदर अंदर थोड़ा बहुत कछुए की चाल चल चल के आई हैव बीन एबल टू गेट 50,000 सब्सक्राइबर्स। एंड इसके पीछे आई वुड लाइक टू गिव ओनली वन एडवाइस टू जो कोई भी बंदा यूट्यूबर बनने के लिए एस्पायर करता है या फिलहाल है, वो ये है कि देखो अभी के टाइम पे इट्स नॉट द सेम मार्केट एज इट यूज टू बी। आई नो मेरे जैसा न्यूबी ये कह रहा है अजीब लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बैक इन द डे जब कैरी मिनाटी एंड भुवन बाम एंड ये जो ओरिजिनल जो पुराने टाइप के यूट्यूबर्स थे, जब वो मार्केट में आए थे, मार्केट खाली था लिटरली, ये लोगों ने स्टॉल वॉल चालू किया तो लोग आ गए। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा मॉल बना हुआ है, हर 6 महीने में 10 नए यूट्यूबर आते हैं और बाकी के 6 महीने में 15 और न्यू यूट्यूबर्स आते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, यू कैन जस्ट स्टिक टू वन थिंग एंड कि भाई रोस्ट नहीं, जो तुम्हारा मन कहे वो करो, कंटेंट एक्सपैंड करना पड़े कर दो। बाय द वे गाइस, आज मैंने टाइगर 3 देखी एंड ऑल आई कैन से इज कि इट्स अ सॉलिड 8
या 8.5 out of 10, इट्स अ सॉलिड मूवी. इट विल कीप यू इन्वॉल्व्ड. डेफिनेटली आपको बोर नहीं करेगा. व्हेन इट कम्स टू बीइंग अबव एवरेज एंड अबव द लीग ऑफ 8, आई वुड से इट्स स्लाइटली गुड कंसिडरिंग द फैक्ट इसमें कितने कैमियोज हैं. किंग खान है लेकिन जीआरके वाला नहीं, इस बार पठान आया है. एंड साथ में यशराज ने जिस तरीके से स्पाई यूनिवर्स को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया है, आई एम रियली लाइक सपोर्टिव ऑफ इट. क्योंकि यार तुम खुद सोचो, अपना ऋतिक, अपना शाहरुख और सलमान भाई तो है ही, ये सब एक ही फ्रेंचाइजी में है. एंड ये स्पाई यूनिवर्स की, तो ये सब कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं. एंड कोलैबोरेशन करके सक्सेसफुल हो जाना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं एक वीडियो पर बहुत एक्सटेंसिवली बात करता हूँ. कीपिंग दैट इन माइंड, ऑल आई वांट टू से इज कि मूवी अच्छी है, आप बोर नहीं होगे. एंड आई एम वर्किंग ऑन वन अनदर वीडियो जो कि हमारे योयो पाजी के ऊपर होने वाला है. तो यस गाइस, स्टे ट्यून्ड बिकॉज ये वीडियो आएगा और ये होगा बूम, न्यूक्लियर बूम. दिस विल बी द बिगेस्ट जमाल गोटा ऑफ योर लाइफ. गॉड ब्लेस यू ऑल विद अ वेरी हैप्पी दिवाली. गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस. एंड चलो मैं मिलता हूँ एक नए हनी पाजी वाले वीडियो के साथ बाद में. सो येस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया तो भी कर देना, वरना कटरीना कैफ के शावर वाला सीन मैं आपको नहीं देखने दूंगा. बाय.